everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Med Aditi. This is Aditi Priya and yes, I'm going to be first year MBBS student at UCMS New Delhi. So, अगर हम बात करें कि NEET 2020-23 में अब कितना time है, like I know ये सुन के ही हमारे इतना ज़्यादा adrenaline rush होता है हमारी body में, like मुझे भी होता था, बहुत ज़्यादा anxiety भी होती थी कि like अब क्या करना चाहिए, क्या हमारी strategy होनी चाहिए and everything. So, अगर हम देखें तो I think and I suppose कि अब ज़्यादा delay नहीं होगा NEET exam में, because बहुत सारे papers में भी आ रहा है कि अब यू नो टाइम से ले लिया जाएगा. सो आई थिंक द नीट एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 7th of May. काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे हैं बट इट्स नॉट ऑफिशियल, सो आई डोंट नो, बट आई थिंक 7th May को होगा. और यू नो हमें हमारी प्रिपरेशन लेवल और सब कुछ हमें 7th May को लेके ही चलना चाहिए. अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बाद में देन इट्स गुड, इट विल बी अ बून फॉर अस, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. बट एंड यस, वो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो सिर्फ हमें नहीं, वो मतलब आई मीन सबको मिलेगा. सो ऐसा मत सोचना कि वो सिर्फ मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, बट वो सबके लिए होगा. तो यू नो टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज एंड यूज़ करने का टाइम अब आ चुका है. सो अगर हम देखें तो अगर वो 7th May को भी होता है और आज है हमारा 6th November, सो वी हैव नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. सो बेसिकली वी हैव 6 months. एंड अगर देखा जाए ना तो 6 month भी काफ़ी लंबा टाइम होता है. लाइक 6 month में बहुत कुछ हो सकता है, इनफैक्ट सब कुछ हो सकता है. अगर देखा जाए तो अगर आपने 11th and 12th बहुत अच्छे से पढ़ा हो बट आप इस 6 month में जाके लूज हो जाते हो, अपना 100% नहीं देते हो, अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हो, अपना इनपुट नहीं देते हो, देन आई थिंक इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट जो है हमें वो नीट एग्जाम में देखने पड़ेंगे. बट वहीं अगर आपने 11th and 12th नॉर्मली की हो, अच्छे तरीके से मतलब ठीक है करी हो, और बट इस 6 month को आप फुली यूटिलाइज करते हो, फुली अपने 100% देते हो, देन आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक नीट 2023. सो बेसिकली हियर आई एम विद 6 month स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2020-23. लाइक आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ फ्रेशर्स होंगे, कुछ रिपीटर्स होंगे, एंड उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होंगी कि लाइक किसी का सिलेबस ऑलमोस्ट से कम्प्लीट हो चुका होगा, किसी का होने वाला होगा, किसी को यू नो अभी थोड़ा स्टार्ट ही करना है या फिर स्टार्ट कर चुके हैं बट उतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो नहीं पा रहे. तो आई नो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. सो आई विल बी कवरिंग दी जनरल पॉइंट्स एंड फिर उसको मैं बता दूंगी कि आप अपने हिसाब से उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, लाइक आपने जो भी पास्ट में किया है, लाइक आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की हो या ना की हो, आपने 4 घंटे पढ़ाई की हो या आपने 10 घंटे पढ़ाई की हो, वो इस समय उन सबको सोच के कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इट कि आपने पहले क्या कर लिया. बट अभी अगर आप देखो आपके पास 6 month है और इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लाइक बहुत कुछ किया जा सकता है. 6 month इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो पीछे का सोच के रिग्रेट मत करना प्लीज़. अब जो हो गया वो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो अभी से ये अपने आप को प्रॉमिस करो कि ठीक है मैं अब अपना 100% दूंगी. एंड यू नो ये 6 month काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है, इसमें कहानी कभी भी पलट सकती है. जैसे कि मैंने बताया कि कोई बहुत अच्छा पढ़ रहा हो और बट ये इन 6 month में आके वो ना पढ़े तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे. लाइक ऑफकोर्स ये बातें देखेंगे. अगर हम लास्ट के 6 months में बहुत अपना अच्छा 100% दे देना तो यू नो ऐसा बोलते हैं कि लास्ट का पढ़ा हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है बिकॉज वो फ्रेश होता है, वो हमारी फ्रेश मेमोरी में होता है. तो लास्ट का पढ़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो यू नो फ्रेशली होता है तो एग्जाम में भी वो हमें बहुत जल्दी क्लिक होता है. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अब जो आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें अपना 100% दो यू बिकॉज अब टाइम कम है एंड हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिविजन के लिए बिकॉज हमें एक्स्ट्रा टाइम इस बार नहीं मिल रहा है. तो फिर अब जो जितने भी चैप्टर्स पढ़ो ना उसमें अपना 100% दो, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट दो, उसको इवैल्यूएट करो. तो अभी वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसको इतना मेक श्योर कर लो कि आप उसको 100% कर लो ताकि बाद में बस एक दो रिविजन हो और आपको वो पूरा चैप्टर याद आ जाए. Then, जब आप अभी 11th रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि आप किसी टॉपिक में अटक जाओ, आपको कोई एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझना है, आपको एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ समझना है. सो आई हैव दिस ऐप विच इज फीलो एंड ट्रस्ट मी ऑन सेइंग दिस, मैंने भी ये अपने प्रिपरेशन टाइम में यूज किया था एंड इट प्रूव्ड आउट टू बी अ बून फॉर मी. इसने मेरे प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर दिया था, इनफैक्ट बहुत स्मूथ कर दिया था. जैसे कि मेरा जो कोर्स था वो ऑनलाइन था तो मेरी कॉन्सेप्ट्स कभी कभी जो है, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, मैं एनसीईआरटी को वो पढ़ रही हूँ तो कभी कभी मुझे कुछ जब समझ नहीं आता था तो मैंने फीलो ऐप को यूज़ किया था. इट्स वेरी गुड ऐप. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल पे आप अटक रहे हो देन यू कैन क्लिक दैट पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट और द न्यूमेरिकल एंड यू हैव टू अपलोड इट ऑन फीलो ऐप.
एंड जैसे ही आप अपलोड करते हो देन विद इन 60 seconds आपको एक टॉप ट्यूटर से कनेक्ट किया जाता है एंड देन फिर आप उनसे अपने पेज पे पढ़ सकते हो एंड वो भी तब तक जब तक आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। यू कैन ऑल्सो स्टार मार्क योर फेवरेट ट्यूटर अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो, ताकि इन फ्यूचर आप उनसे और भी सीख सके। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन पेपर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऐप इटसेल्फ, सो टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट यू कैन गो एंड गिव सम ऑफ द टेस्ट एंड चेक वेदर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट। आई थिंक अपनी सेल्फ स्टडी को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यू शुड डेफिनेटली यूज द ऐप फिलो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यस जरूर डाउनलोड करना। देखो अब टाइम आ गया है कि अब रोज 8 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए हमें, जिसमें से 6 घंटे तो हमारी क्लासेस होंगी, बिकॉज 6 घंटे हमारी क्लासेस होती हैं, 2 घंटे फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके बाद एटलीस्ट 4 to 5 hours, यू नो एटलीस्ट मैं बोलूंगी 4 to 5 hours अपनी सेल्फ स्टडी को दो। मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि उस 4 to 5 hours को हमें कैसे स्प्लिट करना है एंड ऑल्सो हमें क्लासेस को कैसे इफेक्टिवली करना है, ताकि ये सब कुछ हम लोग आराम से 8 to 10 hours में कर ले। मैं ज्यादा भी बर्डन नहीं करना चाहती हूँ कि 12 से 15 घंटे पढ़ो, बिकॉज इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा था, बट हाँ एक टाइम था जब मुझे इतना पढ़ना पड़ा था, वो मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। तो इतना मैं बर्डन नहीं करना चाहती, तो इतना मेक श्योर करो कि 8 to 10 hours आप रोज पढ़ो, जिसमें से क्लासेस इंक्लूडेड है। आपको क्लासेस को 6 घंटे तो देने ही है, तो इसलिए मैं बोलूँ 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी पक्का दो। ये जो मैंने बताया 8 to 10 hours पढ़ने चाहिए हमें, या फिर 8 to 12 hours हमें पढ़ना चाहिए, जो कि अब हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ये ना 2 से 3 महीने के लिए, लाइक अभी से अगर आप बोलो तो मार्च तक मैं बोलूंगी, या फिर फेब एंड तक आपको ये फॉलो करना है कि हमें 8 से 12 घंटे पढ़ने ही है रोज। और मैं ये बताऊँ ना कि लास्ट के 2 मंथ्स में क्या होता है, तो ट्रस्ट मी लास्ट के 2 मंथ में आपको टाइम मैटर ही नहीं करेगा, आप पूरा दिन पढ़ रहे हो और ये ऑटोमेटिकली आता है। तब आप घड़ी को देखोगे भी नहीं कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ लिए, मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। आपके पूरे दिन ना पढ़ ही रहे होगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं लास्ट के 1 महीने में, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ, उसको इवेलुएट करो, तो लास्ट के मंथ में तो बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं, और फिर टेस्ट देते हो 3 घंटे का, तो टेस्ट देते हो 3 घंटे उसे इवेलुएट करते हो, फिर जो टॉपिक नहीं समझ आया होता उसे पढ़ रहे होते हो, तो तब तो टाइम मैटर नहीं करता, तब तो हमें पूरे दिन ही पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट सब पढ़ते हैं, यू नो तभी जाके सिलेक्शन होता है, तो तब टाइम जाके मैटर नहीं करेगा। अभी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं ये बोलूंगी 8 टू 12 आवर्स आप रोज कंसिस्टेंटली पढ़ो एंड इट विल बी इनफ फॉर इट। ऐसा भी नहीं है कि लास्ट के टाइम में जाके यू नो आप ऐसे 24 घंटे पढ़ो, बिकॉज 24 घंटे तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है, हमें 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। मैं तो पर्सनली 8 घंटा तो पूरा लेती ही थी, बस बचते हैं 16 hours, तो 16 hours में जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि पूरे दिन पढ़ते रहते, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप खा भी रहे हो या फिर आप घूम भी रहे हो, तो यू नो आपकी आप जो रिसेंटली तब पढ़ के उठे होते हैं ना, वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नीट 2023 को क्रैक करने के लिए, आज से स्टार्ट करें तो। तो जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग लेवल पे होंगे, तो हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, एक करते हैं ड्रॉपर्स एंड एक करते हैं फ्रेशर्स। सो यार लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेशर्स पार्ट। तो देखो अगर फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, बट अगर हम उसको एक जनरलाइज करते तो 11th उन्होंने पढ़ी होगी और तभी स्कूल के भी एग्जाम्स पास होते हैं, तो मोर और लेस 11th ठीक लेवल पे होती है एंड 12th वो अभी तक पढ़ रहे होते हैं एंड आई थिंक सेप्टेम्बर तक हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है, सेप्टेम्बर नहीं तो एटलीस्ट नवंबर तक तो कम्प्लीट ही हो जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट सबका 12th का भी सिलेबस कम्प्लीट हो चुका होगा, कोचिंग में भी जा रहे होते हैं, तो यहाँ से अब जो है आई थिंक नवंबर दिसंबर और जान में 11th का वो रिवाइज कराना वापस स्टार्ट कर देते हैं। मैं यही बोलूँगी गो विथ योर ट्यूशन, गो विथ योर ट्यूशन टीचर्स, ट्रस्ट देम, ट्रस्ट योर टीचर्स, एंड जैसे कि वो अभी रिवाइज करा रहे हैं 3 months में वो तुम्हारा पूरा 11th रिवाइज कराते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप 11th उनके साथ साथ ही रिवाइज कर ले। कुछ टॉपिक छूट जाएगा बिकॉज थोड़ा थोड़ा रश हो रहा होता है, तो सारे टॉपिक्स तो इन डेप्थ वापस से नहीं पढ़ाए जाते, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो हम 1 साल में पढ़ते हैं उसे 3 महीने में पढ़ना तो यू नो हो जाता है, तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट रिविजन करा रहे होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप घर आओ और अभी जो है आप वो 11th ही कवर करो, बिकॉज 12th तो आपने किया है वो अच्छे तरीके से अभी किया होगा, बिकॉज आपके बोर्ड्स भी है तो आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, फेब तो आई थिंक पूरा बोर्ड्स की प्रिपरेशन में जाता है, सो दिस इज द राइट टाइम, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी इज द राइट टाइम कि अब आप अपना 11th जो है ना पक्का फाइनलाइज कर लो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, बिकॉज फेब में फिर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड देन फिर आपको बोर्ड्स के लिए अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास अप्रैल का मंथ पूरा बचा रहेगा जिसमें मेनली एंड सोलली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और हाँ अगर 2-4 टॉपिक्स छूट गए हैं, जैसे कि बोर्ड्स में भी आई थिंक कुछ सिलेबस कट हो चुका है, तो उन सारे टॉपिक्स को एंड देन 11th में जब आप अभी रिविजन कर रहे हो, जो टॉपिक्स छूट जाएंगे, मेक श्योर कि टॉपिक ना छूटे, बट अगर कोई छूट रहा है तो उनको आप अप्रैल में कवर करो, तब आपके पास अराउंड 30 to 40 days होंगे, तो
मेक श्योर करो कि आप 10 से 15 दिन में उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लो और एवरी डे, यू नो आई थिंक आई सजेस्ट कि एवरी डे, बिकॉज मैंने भी पर्सनली 30 मॉक टेस्ट तो लगाए थे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, तो 30 मॉक टेस्ट लगाओ और आई थिंक 20 विल ऑल्सो डू, या तो रोज लगा लो अगर इतनी कैपेसिटी है, मन कर रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप कॉन्सेप्ट हो ही चुके हैं, रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा लो और एल्स आप ऑल्टरनेट डेज में लगा सकते हो, या फिर संडे हो गया तो संडे को दो लगा लो, मेक श्योर करो कि 20-30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दो, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बस दे दिया, उसको आपको इवैल्यूएट भी बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, इवैल्यूएट करना इट्स नॉट लाइक कि बस क्वेश्चन देख लिया कौन सा गलत है बस, हाँ बस इतना नहीं होता है, इवैल्यूएट में जैसे मैंने बताया 3 घंटा आप टेस्ट देते हो और 3 से 5 घंटे लग जाते हैं हमें उस टेस्ट पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए, बिकॉज जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए हैं वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके जिन क्वेश्चन को किया है उनको, उनके कॉन्सेप्ट अभी भी हमें अच्छी तरीके से समझ नहीं आया है, तो उनको समझना होता है उसी टेस्ट के साथ। टेस्ट का मतलब बेसिकली यही मतलब होता है कि आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपको पता चल गया कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, जिससे आपसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, तो आप वो टॉपिक खोलो एंड देन उसको पढ़ो। तो या टेस्ट इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लास्ट के मंथ में तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं और कॉन्सेप्ट रिविजन चलता रहता है, बिकॉज टेस्ट देते जाओगे, अगर जैसे आप देखो आप 20 टेस्ट दे रहे हो तो 20 × 200 क्वेश्चन ईच टेस्ट में होते हैं, सो 20 × 200 कर लोगे तो आपके 4000 क्वेश्चन हो रहे हैं एक महीने में, आप 4000 क्वेश्चन कर रहे हो, 4000 क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन भी होते हैं, तो आप देख लो, खुद ही देख लो कि आप कितने सारे यू नो टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज जब आप इवैल्यूएट करोगे तो टॉपिक को रिवाइज करोगे, वो एनसीईआरटी खोलोगे और वो टॉपिक ढूंढोगे देन उसको रिवाइज करोगे, तो आपको इतने सारे यू नो कॉन्सेप्ट जो है कम टाइम में वो आप टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये सब हमें करना होता है लास्ट के मंथ में, जो कि मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको अप्रैल में ये सब करना है, बिकॉज मार्च तक आपका बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन मैं यही बोलूंगी कि जो फ्रेशर्स हैं हमारे, उन्हें अभी जो है अपने 11th पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज 12th का सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन, सो अभी से 11th पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी में अपना पूरा 11th कंप्लीट करो, देन फेब को अपने पूरे बोर्ड्स के लिए डेडिकेट करो, बिकॉज अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ो तो ऑटोमेटिकली तुम नीट के लिए भी पढ़ ही रहे हो, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, एंड देन मार्च में अपने बोर्ड्स दो, बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड्स दो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड देन अप्रैल में जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स आपके छूट चुके हैं, इनफैक्ट रिविजन भी, कॉन्सेप्ट रिविजन भी आप थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नाउ आई बी एड्रेसिंग ड्रॉपर्स और रिपीटर्स, एंड यू नो वॉट, बींग अ रिपीटर, बिकॉज मैंने भी एक साल रिपीट किया है, तो सबसे बड़ी कमी जो हम में होती है या फिर जो सबसे बड़ी चीज़ हम लैक करते हैं ना, वो होता है कॉन्फिडेंस, यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें खुद पे ही डाउट होने लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं, एक बार तो हमने फेलियर ऑलरेडी देख लिया है तो शायद हमें ऐसा डर होता है कि शायद वो फेलियर हमें वापस ना देखना पड़े, तो यू नो इन सब डर की वजह से हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, कि यही आई थिंक यही होता है सबसे सारी प्रॉब्लम्स का यू नो मेन रूट यही है कि हमें सेल्फ डाउट होने लगता है, हम खुद पे बिलीव ही नहीं करते, हम खुद से कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, एंड ये सबसे बड़ी गलती होती है, जो यू नो कभी भी कुछ भी हो जाए खुद पे कॉन्फिडेंस लूज मत करना। सो राइट नाउ सबसे पहले आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप कभी भी होप लूज नहीं करोगे एंड खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखोगे, यू नो बस इतना कर लिया ना, आई थिंक हाफ ऑफ द थिंग यू हैव ऑलरेडी डन, 11th 12th आप पढ़ के आए हो, आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं, यही है बस कि आप खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी पार्ट, तो ऐसा सोचो कि हम ऑलरेडी एक स्टेप आगे हैं, ऑल्सो हमें बोर्ड्स तो देने हैं नहीं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास 6 मंथ्स है, लाइक कम्प्लीटली 6 मंथ्स है, और 6 मंथ्स में बहुत कुछ किया जा सकता है, लाइक अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर मैं 6 मंथ्स को ऐसे करूँ कि एक महीने तो हमें पूरा क्वेश्चन रिविजन करना होता है, तो वी हैव 5 मंथ्स है, तो अगर जिन्होंने अभी तक लूज होप कर चुकी थी कि हमसे नहीं होगा, हम फिर से एक साल ड्रॉप ले लेंगे, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, सिंस आप 11th एंड 12th कवर करके आ रहे हो, आपने अपने बोर्ड्स भी दिए है, तो आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं, ठीक है, यू जस्ट हैव टू ब्रश इट अप, आपको अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करना है, सबसे पहले क्या करना होता है ना एक ड्रॉपर को, मन से पहले ये सोचना होता है कि ऐसा क्या किया मैंने कि या फिर क्या नहीं कर पाई मैं कि मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पहले तो आप लिस्ट बना लो कि आपने आपको क्या क्या करना चाहिए था, एंड देन ये देखो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, लाइक अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊँ तो मैंने पहले यही किया था कि पहले मैंने देखा मैंने गलतियाँ क्या क्या की, तो मेजरली मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, ये तो बहुत ही बड़ी गलती की थी मैंने, और मैंने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, मतलब टेस्ट तो मैं ऐसे अवॉइड करती थी जैसे
जन्मों का हमारा यू नो दुश्मनी दुश्मनी चल रही है. तो टेस्ट नहीं देती थी मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी, एंड देन फिर मैंने क्लासेस तो मैंने मिस नहीं किया है, बट हाँ रिविजन नहीं करती थी मैं घर जाके. बहुत सारी गलतियां की थी, तो मैंने बस अपने आप को मेक श्योर किया कि मैं वो सारी गलतियां तो एटलीस्ट इसमें रिपीट ना करूँ. एंड सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक था वो यही था कि मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए थे, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेती थी. क्लासेस मैंने जैसे बताई मैंने एक भी क्लासेस मिस नहीं किया, बट वही रिविजन नहीं करती थी, तो रिविजन नहीं करती थी तो क्वेश्चन नहीं बनते थे, क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मैं टेस्ट नहीं देती थी. तो सब कुछ जो है वो रिविजन पे आके रुक जाता है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आके रुक जाता है. तो मैंने बस यही प्रॉमिस किया था अपने आप से कि कुछ भी हो जाए मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी. एंड ट्रस्ट मी ऑन सेइंग दिस, आई हैव डन अराउंड 15,000 क्वेश्चंस इन माय ड्रॉप ईयर. सिर्फ ड्रॉप ईयर में मैंने 15,000 क्वेश्चंस किए हैं, एंड इनमें से 7,000 क्वेश्चन जो है वो मैंने लास्ट के दो महीने में किया. बाकी सब तो चल रहा था, बट लास्ट के दो महीने में मैंने 7,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मुझे यही लगा था कि शायद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते लास्ट ईयर ही, बट वही है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए मैंने इस बार सोचा कुछ भी हो जाए मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी. तो वही है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग गलतियां होंगी, बहुत मतलब कुछ ने क्लासेस ही मिस की होंगी, कुछ ने मतलब बहुत सबकी अलग अलग गलतियां होती है. तो पहले उन गलतियों को आप एक पेपर में लिख लो, एंड ऑल्सो ये भी कर सकते हो कि अभी तो आधा साल बीत चुका है तो उसकी भी गलतियां लिख लो कि आपने इन आधे साल में भी क्यों नहीं किया ये सब, एंड देन उन सबको अपने पेपर पर चिपका दो कि ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, आई नो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप वो सारी गलतियां तो वापस रिपीट नहीं करना चाहोगे. मुझे पता था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए. तो आपको अगर अब पता है कि आपने उस टाइम क्लासेस मिस किए थे तो प्लीज इस बार एक भी क्लास मिस मत करो. अगर आपको पता है आपने उस बार कॉन्सेप्ट रिविजन नहीं किया था, आपने घर में जाकर रिविजन नहीं किया था, तो इस बार एटलीस्ट वो मत करो. अगर अभी कट चुके हो तो ठीक है, रिग्रेट मत करो, अभी भी हमारे पास 5 to 6 मंथ्स है और इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है. अगर हम बात करें कि एक ड्रॉपर को कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में, तो देखो बींग अ ड्रॉपर हमारे भी 6 घंटे की क्लास होती है, 2 hours ईच फॉर ईच सब्जेक्ट. सो 6 घंटे तो हमारे वहीं चले गए. या तो डीपीपी सॉल्व कर लो या फिर अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो 1 to 1.5 hours आप वो करो. नाउ वी आर डन विद 7.5 hours. देन आपको रात में क्या करना है कि 2 to 3 घंटे ले लो, ठीक है 3 घंटे ले लो. बायो में आपको आधा घंटा लगेगा, केमिस्ट्री में 1 घंटा ले लो, एंड फिजिक्स में 1.5 hours ले लो. तो जितना भी उस दिन पढ़ाया गया उसको लो और अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर लो. कॉन्सेप्ट रिविजन कर लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, एंड देन आपके पास टाइम है. ऑफकोर्स ये बात है टाइम है, कॉन्सेप्ट रिविजन करने में तो हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, बाकी जितना भी टाइम बचा उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दो. ठीक है, तो आपने उस दिन भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. नाउ वी आर डन विद 10.5 hours. अब ज्यादा नहीं कर सकते तो ठीक है, बट फिर भी 1 to 2 घंटे मैं बोलूंगी, बिकॉज बींग अ ड्रॉपर इतना तो पढ़ना पड़ता है यार. ठीक है, थोड़ा मैनेज करो, 10 to 11 घंटे पढ़ो, तो 1 to 2 घंटा जो है आपको रिविजन करना है. ठीक है, तो ये शेड्यूल हो गया उनका, जिनके एक भी बैकलॉग नहीं है, वो पूरे ट्रैक पे चल रहे हैं, उन्होंने सारे लेक्चर्स देखे हैं, सो उनका एक भी बैकलॉग नहीं है. बट नाउ कम्स द पॉइंट, वो क्या करे, उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए जिनका बैकलॉग है. तो आई थिंक सबका ही बैकलॉग होता है, मेरा भी बैकलॉग था, सबका ही बैकलॉग होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल फॉल इन दिस कैटेगरी. तो इनके लिए शेड्यूल ये होगा कि 6 घंटे जो है वो आप अपनी नॉर्मल क्लासेस करो, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. देन उसके बाद आपको 3 घंटा लेना है, वही सेम चलेगा, 3 घंटा यहाँ पे भी लेना है, 1/2 hour फॉर बायोलॉजी, 1.5 hours फॉर फिजिक्स, एंड 1 hour फॉर केमिस्ट्री. इतना टाइम लो, इनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो और इनके क्वेश्चंस लगा लो. इन 3 घंटे में आपको ये करना है. तो नाउ यू आर डन विथ 9 hours, यू स्टिल हैव 2 to 3 hours. सो इन 2 to 3 hours में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आप 1x पे देखते हो या फिर 2x पे देखते हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोज 1 to 2 lectures कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो. यार अब कब करोगे, बैकलॉग कंप्लीट करना ही पड़ेगा. आई नो सबका बैकलॉग होता है, आपको अपना टाइम निकाल के ये सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा. जब तक आपका बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं बोलूंगी आप अपना रिविजन पॉज कर सकते हो, बिकॉज जो करंट चल रहा है उसको अगर आप 100% कर रहे हो और सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो तो उतना भी सफिशियंट होता है. तो अभी के लिए आप रिविजन पॉज कर दो. वंस यू आर डन विथ योर बैकलॉग देन रिविजन जो है वापस स्टार्ट कर देना. तो देखो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. और अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं तो फिर सिलेबस कंप्लीशन तो अपने कोचिंग के साथ चलो, वो जैसा कर रहा है, उन्होंने जैसा शेड्यूल दे रखा है, स्टडी प्लानर दे रखा है, उसको कंप्लीटली एंड ब्लाइंडली उसी को फॉलो करो. सिलेबस की टेंशन मत लो, वो जिस हिसाब से जब जो पढ़ा रहे हैं उसको बस अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ. और टाइम, यू हैव टू मैनेज योर ओन टाइम. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग आ रखा है तो आप रिविजन को पॉज कर लो और रिविजन का टाइम जो है आप वो बैकलॉग को कवर करने के लिए कर लो. अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमारा जो सिलेबस है वो मई मिड में खत्म हो गया था और जो हमारा एग्जाम था वो जुलाई मिड में था. तो हमारे पास रफली जो है 2 months बट आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको आपके पास सिर्फ अप्रैल का मंथ होगा. तो अगेन आपका जो आई थिंक सिलेबस जो है वो मार्च मिड तक कंप्लीट हो जाएगा. तो मार्च मिड से लेके आपको
पूरा जब तक नीट नहीं हो जाता तब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है. कॉन्सेप्ट रिवीजन उस टाइम पे जाके थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट निकल के आता है. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उनके साथ ही अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और नहीं हो पाता तो एक वीक एक्स्ट्रा ले लो, बट हाँ उनके साथ साथ आसपास ही कंप्लीट करना सिलेबस. एंड देन वही है, अगर मैं जनरल टिप्स की बात करूं तो टेस्ट 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 प्लीज बहुत सारे टेस्ट देना, मतलब बहुत सारे क्या, सारे टेस्ट देते रहना और इन अ स्ट्रेच देना, बिकॉज वहाँ पे 5 घंटे बैठाया जाता है. तो अगर अभी से हैबिट नहीं डालोगे कि 3 घंटे बैठ के मैं टेस्ट दूँ तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा उठने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि अब हो गया, अब दिमाग नहीं काम करेगा. तो प्लीज़ इन अ स्ट्रेच दो टेस्ट, एक साथ बैठ के टेस्ट दो, और हो सके उसे 1 घंटा पहले ही बैठ जाओ और फिर टेस्ट देना स्टार्ट करो, बिकॉज वहाँ पे 5 घंटे बैठाया जाता है. तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी, अभी से ही डालनी पड़ेगी. प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस करो, वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है. सो प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस इज मस्ट. एंड देन किसी भी टेस्ट में, अभी जो टेस्ट होंगे हमारे 5 महीने, उसमें ऐसी मुंह उठा के मत बैठ जाना कि चलो ठीक है टेस्ट दे देते हैं, जैसे कि बोला गया था टेस्ट देना है तो हम टेस्ट दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, प्लीज रिवाइज करके टेस्ट देना. हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक छूट गया, एक चैप्टर छूट गया, उसकी वजह से आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, ये मत करना. अगर एक टॉपिक एक चैप्टर छूट रहा है तो छूटे दो आप, पर टेस्ट जरूर देना. बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा ब्लाइंडली पूरा ब्लैंक हो, आपने कुछ रिवाइज नहीं किया और तब जाके आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा. किस तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करो, आपकी क्या रैंक आ रही है, आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं. एंड या जैसे कि मैं बात करूँ अप्रैल की, तो जैसे हमारा जब नीट के लिए 1 महीना बचा था तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, बिकॉज मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था विच इज यकीन फिजिक्स वाला, तो उसमें तो ऑनलाइन टेस्ट होते थे तो मैं प्रिंट आउट ऐसे कुछ लेके नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट. तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लिया था, आकाश की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किए थे. तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपका पूरा बैच ऑनलाइन रन कर रहा है तो प्लीज किसी भी एक इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लेना, बिकॉज ऑफलाइन एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मुझे भी ये समझ आया था मेरे फर्स्ट टेस्ट में, जैसे मैंने बताया था कि मुझे फर्स्ट टेस्ट में मैं देख के आई थी, मुझे लगा था आराम से 650 प्लस आएंगे, बट मार्क्स वेयर एक्चुअली 565 आई रिमेंबर. तो तब मुझे पता चला था कि नहीं, तब मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला था कि स्लीप पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए. मैं सो के नहीं गई थी, आई थिंक 3 घंटे सो के गई थी, तो क्या ही करके आती, हेडेक हो रहा था मुझे, वो अलग मतलब अलग ही था. तो मुझे आते हुए क्वेश्चंस मैंने गलत किए थे, क्वेश्चन रीड नहीं कर रही थी मैं, बहुत बहुत कुछ पता चलता है जब आप ऑफलाइन जाके अपीयर करते हो. तो लास्ट महीने में तो मैं यही बोलूंगी कि ऑफलाइन जाके देना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, तब जाके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना. अभी के लिए फिलहाल मैं बोलूंगी आपकी जो भी कोचिंग है उसमें जो भी टेस्ट आ रहा है उसको अच्छी तरीके से दो. अगर ऑफलाइन आ रहा है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट तो अभी या फिर अभी के 1-2 महीने बाद से मैं बोलूंगी कि उन टेस्ट का प्रिंट आउट ले लेना और घर में बैठ के देना. अगर आप टेस्ट का प्रिंट आउट नहीं ले रहे हो, उसको सॉफ्ट कॉपी में ही दे रहे हो, तो एटलीस्ट OMR का प्रिंट आउट ले लेना. अगर आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हो तो कोई बात नहीं, बट टाइम निकाल के आप उसी टाइम पीरियड में आपको OMR भी फिल करना है. और यार लास्ट में तो जाके मैं पक्का सजेस्ट करूंगी कि आपको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए. बताऊंगी इसके बारे में भी कभी इन डिटेल, बट आई थिंक ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है. सो मैं यही बोलना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट गाइज, यू कैन डू इट, प्लीज डोंट लूज योर होप, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, आई नो, आई बिलीव इन यू. सो या कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव्स अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब. या थैंक यू.